नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पार्टियों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आक्रामक मोड़ में दिखाई दे रही है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टियां हर संभव कोशिश करने में जुट गई हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता हिमंत बिस्व सरमा आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में मंगलवार को यह बिल पेश किया। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक रखा गया है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पूरी तरह नया है। यह बिल पहले से राज्यसभा में पारित कानून से अलग है। इस पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि संविधान की नई प्रति की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। अधीर चौधरी ने कहा कि संविधान की जो नई प्रतियां उन लोगों को दी गई हैं, जिसे उन लोगों ने हाथ में लेकर में प्रवेश किया था, उसमें इसकी प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो सिर्फ आसमानी बातों से काम नहीं चलेगा, इसमें ओबीसी एससी एसटी को भी कोटा देना होगा। जन आक्रोश या जन दबाव क्या क्या करवा सकता है, उसका एक उदाहरण है ये नारी शक्ति वंदन बिल जो आज लाया गया है। नई दिल्ली के संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नया विधानसभा भवन बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को नए विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा, जिस पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। वकीलों की हड्डी ताल के चलते कई बार सुनवाई टल चुकी है। गाजीपुर के करंडा थाने में साल 2009 में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। बेंगलुरु बायोलॉजिकल पार्क में वायरस फैला है। तेंदुए के साथ शावकों की मौत से हड़कंप मचा है। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार इस बीमारी के मामले 22 अगस्त को सामने आए थे। जिन 7 तेंदुआ शावकों की जान गई है वे 3 से 8 महीने के थे। उन्हें टीका दिया गया था लेकिन इलाज के दौरान वे मर गए। महिला आरक्षण विधेयक पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे इसे अब लागू नहीं करने जा रहे हैं। पिछले साल वर्षों से हम इसकी मांग कर रहे हैं, अब वे कह रहे हैं कि जनगणना करो, परिसीमन करो। इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि भाजपा सरकार इसे कब लागू करने जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम भारत को भड़काने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं और हम भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। ये बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहेंगे। हम सबूतों का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि काम पूरे लोगों के लिए किया जाए। टीम इंडिया के किट स्पॉन्सर एडिडास बुधवार को भारत की क्रिकेट विश्व कप जर्सी का अनावरण करेंगे। भारत में आयोजित होने वाले विश्व कप 2023 के जश्न के संकेत में एडिडास ने वनडे जर्सी को नया रूप दिया है, जिसमें कंधों पर 3 सफेद धारियों की जगह तिरंगे को शामिल किया गया है, जो कि फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।